सुपौल में इंटर की परीक्षा शुरू होने से पहले बड़ा हादसा हो गया। दर्दनाक सड़क हादसे में बहन को परीक्षा दिलाने सड़क से जा रहे भाई की मौत हो गई, तो वहीं परीक्षार्थी बहन भी बुरी तरह से जख्मी हो गई। इसका इलाज त्रिवेणीगंज अस्पताल में चल रहा है। घटना त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के बगला बेहड़ी सड़क मार्ग पर लाल बिहारी खुट गांव के पास की है। दरअसल त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के कुमियाही वार्ड निवासी जागेश्वर यादव का इकलौता बेटा अपनी छोटी बहन को परीक्षा दिलाने जा रहा था। दोनों भाई बहन जैसे ही लाल बिहारी खुट गांव के पास पहुंचे, तभी विपरीत दिशा से तेज रफ्तार से आ रही पिकअप वैन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। परीक्षा देने के लिए आ रहा था त्रिवेणीगंज, सितारा कुमार, उसका नाम मनोज कुमार है। कहाँ से आ रहा था ये लोग? मियाई से, वार्ड नंबर 11। कहाँ था एक्सा सेंटर? त्रिवेणीगंज अनुपलाल को ले। फर्स्ट सीटिंग में था क्या? फर्स्ट सीटिंग है। तो किसका इसमें यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? मनोज कुमार यादव, उसका बड़े भाई है। कौन चीज़ से हुआ है? चार चक्का वाहन से, पिकअप से। ये मोटरसाइकिल से था? हाँ, मोटरसाइकिल से। तो वहीं बाइक पर सवार मृतक मनोज की बहन सितारा कुमारी भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। मामला है सर, एक पेशेंट मेरे पास आया, वो जो है आरटीए पेशेंट है, घर उसका कुमाई है, नाम उसका सितारा कुमारी है, और बाइक से एक्सीडेंट होने से जो है भाई स्पॉट डेथ हो गया, मतलब पता चला हमको। वो अपने को देखे तो चोट वोट लगा हुआ है पूरा, और थोड़ा अनकंसस हो जा रही है। इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है। और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक मनोज के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में सुपौल भेज दिया है। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। मृतक की बहन का रो रो कर बुरा हाल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सुपौल से सुभाष की रिपोर्ट।